मनीष कश्यप के केस की सोमवार एनआईआर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी हैं। इस दौरान मनीष कश्यप की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी अपना पक्ष रखा है। इस दौरान दोनों मतों की तरफ से कोर्ट में अपने अपने तर्क पेश किए गए। आखिर में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका खारिज कर दी। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के केस को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस केस की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी हैं। वहीं कश्यप के वकील ने एनएसए लगाए जाने पर सवाल भी उठाए हैं। बताते चले सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, पहले एफआईआर हुई, अब एनएसए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लेकिन क्या करें, आप फर्जी वीडियो वगैरह बना रहे हैं। आपको बता दें, सिंह ने जवाब दिया, अगर मुझे एनएसए के तहत होना है तो सभी समाचार पत्रों को एनएसए के तहत होना चाहिए, वो भी सस्ते श्रम की बात कर रहे थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लेकिन अगर आपको एनएसए का उपाय चाहिए तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हम एफआईआर को क्लब कर सकते हैं। सिंह ने जवाब दिया, जहां भी पहली एफआईआर दर्ज होती है इस नियम का पालन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, मुझे कॉमन एफआईआर के बारे में बताइए। बिहार सरकार 3 एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें चलिए, एक मामले में उन्होंने पटना सिटी में कहकर फर्जी वीडियो बनाया है कि वीडियो तमिलनाडु में तैयार किया गया और इसमें दिखाया गया है कि प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है, जो कि फर्जी वीडियो, ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने फर्जी वीडियो बनाए थे। दूसरी कार्रवाई आपको बता दें, दूसरी टिप्पणी पर है, जिसमें मनीष कश्यप ने कहा है कि मैं पुष्टि करने के लिए तमिलनाडु जा रहा हूं। उसने उस वीडियो को एक अलग तस्वीर और अलग साउंड ट्रैक के साथ बनाया है। तीसरी हथकड़ी में तस्वीर है जो कह रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता एनएसए सहित उपाय के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। तो आपको बताते चले, मनीष कश्यप की याचिका खारिज कर दी गई है। आज उनकी जो सुनवाई हुई है उसमें याचिका उनकी खारिज कर दी गई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।